हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुमार मित्तल के एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4 हमारा विद्युत विभव और सॉरी विद्युत धारिता। और विद्युत धारिता का जो कुमार मित्तल का जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर रहे हैं बहुत दिनों से, ठीक ना। और उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और कुछ दो चार क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 तक हमने सॉल्व कर लिया था। 47 है कि निम्न परिपथ में संधारित्र सी की प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। देखिए, इस तरीके का एक हमारे पास सिंपल सा सर्किट दे रखा है। लेट्स सी, एक सेल दे रखा है और इसके साथ एक यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंसेस का सेल का ईएमएफ ई दे रखा है और इसके साथ यहाँ पे समांतर में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है और एक रेजिस्टेंस जुड़ा है और इसके साथ यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस जुड़ा है, ठीक है। ये आर वन और ये आर टू, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है, जो संधारित्र है संधारित्र पर कितना आवेश है वो ज्ञात करना है। तो आवेश निकालने के लिए हमें पता है इसकी धारिता मान लेते सी है, दे रखा है। अगर धारिता सी है तो आवेश हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी इंटू वी मतलब हमें ये पता लगाना है कि सी के अक्रॉस कितना विभवांतर है, वो हमें अगर पता चल जाए तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, आवेश निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन है कि यहां पर हमारे पास सेल लगा है, सेल क्या देता है, डीसी करेंट है और कैपेसिटर जो है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखना, नोट करना है। यहां पे संधारित्र डीसी धारा को ब्लॉक करता है, मतलब उसमें से डीसी करंट जो है वो पास नहीं हो सकता है। डीसी करंट के लिए कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होगा बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है, इंफिनिटी होता है, ठीक है। इसीलिए इस वाले सर्किट में करंट जीरो होगा। इस वाले सर्किट में अगर करंट जीरो है तो इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस है, आर वन रेजिस्टेंस है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो इसको यहां से हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले सर्किट में कोई धारा है ही नहीं। जब धारा नहीं है तो ये रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में कुल प्रतिरोध R बराबर, देखो ये स्मॉल R एंड कैपिटल R2 ये दोनों श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में टोटल धारिता R प्लस कैपिटल R2, ठीक है। परिपथ में धारा I इज इक्वल टू V बाय R, V यहाँ पे E है, R यहाँ पे स्मॉल R प्लस R2 है, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, ए बी के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों सिरों के बीच विभवांतर, देखिए ए बी के बीच जो विभवांतर होगा वी बराबर, देखिए ये पी पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस ये वाला रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जितना विभवांतर होगा उतना ही विभवांतर ए बी के क्रॉस होगा और उतना ही विभवांतर यहां पे भी होगा। तो सिंपल सा बात है कि वी इज इक्वल टू जाएगा वी ए बी, वी ए बी इज इक्वल टू जाएगा आई R2। क्लियर है? अगेन, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जितना विभवांतर होगा उतना विभवांतर ए बी के क्रॉस भी होगा, ठीक है। तो आई आर टू, तो ये आई का वैल्यू रख देंगे यहां से, तो ई आर टू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल R2। क्लियर है? ये हो गया वी ए बी, मतलब ए बी के बीच विभवांतर। अच्छा, ए बी के बीच जितना विभवांतर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से कोई काम नहीं है, तो ए बी के बीच जितना विभवांतर होगा उतना ही विभवांतर इस कैपेसिटर के सिरों के बीच भी होगा, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र पर आवेश क्यू इज इक्वल टू सी इंटू ए बी, देखो सी इंटू ई आर टू डिवाइड बाय स्मॉल आर प्लस आर टू कूलम, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कूलम लिख देते हैं हिंदी में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक।
एक सिंपल सा और एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आपको हमेशा याद रखना है कि संधारित्र जो है वो डीसी करंट को हमेशा ब्लॉक करता है और एसी करंट को वो इजीली अपने में से पास होने देता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 47। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि बी को बिंदु बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु ए को 1500 वोल्ट पर रखा जाए तो बिंदु पी पर विभव की गणना कीजिए। बिंदु पी पर कितना विभव होगा वो हमें बताना है। देखिए इस तरीके का सर्किट दे रखा है, आपके पास कुमार मित्तल की बुक है तो निकाल सकते हैं बुक। ये कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे बिंदु बी को जो है, बिंदु बी को जो है ग्राउंड करा गया है, यहाँ पे बिंदु पी है और यहाँ पे बिंदु ए है। कह रही कि बिंदु ए का जो विभव है, बिंदु ए का जो विभव है वो है 1500 वोल्ट। ठीक है, हमें वी का विभव बताना है। तो देखिए V का विभव 0 जाएगा क्योंकि V को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, हमें P का विभवांतर निकालना है, VP बराबर कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, देखिए इसका संधारित्र जो दे रखा है इसका वैल्यू दे रखा है 3.5, 3.5 और ये दे रखा हमका 5 माइक्रोफेरेट का, ये भी 5 माइक्रोफेरेट का दे रखा है और ये 1 माइक्रोफेरेट का दे रखा है। तो देखिए बिंदु P का विभव निकालने के लिए सबसे पहले इसकी धारिता निकालते हैं, तुल्य धारिता कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तुल्य धारिता निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट कैपेसिटर है C1, ये C2, C3, इसको C4 नेम देते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखिए C2 व C3 किसमें है, श्रेणी क्रम में। ठीक, तो इसकी तुल्य धारिता जाएगा C2 into C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3। इसके साथ C4 जो है समांतर क्रम में है तो इसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं C4 को, ये जगह तुल्य धारिता इन तीनों की। ठीक है, तथा C4 समांतर क्रम में, इसमें समांतर क्रम में तो तुल्य धारिता ये हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं 5 × 5 डिवाइड बाय 5 + 5 + 1। ठीक है, 25 25 बटे 10 25 बटे 10 प्लस 1 इसे काट देंगे तो ये आएगा आपका कितना 2.5 + 1 तो 3.5 माइक्रो फैरेड। अच्छा, अब जो सी डैश है, सी डैश सी वन के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो ये सी डैश बस सी वन किसमें है, श्रेणी क्रम में। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे तो इसकी तुल्य धारित्र हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/C = 1/3.5 + 1/3.5। एलसीएम इसका 3.5 हो जाएगा तो ऊपर 1 + 1 कितना जाएगा 2। देन C = यहां से आ जाएगा C = 3.5/2 माइक्रो फैरेड। तो निर्धारित हो गया। अब इसमें हम निकालते हैं कि आवेश कितना परिपथ में, परिपथ में आवेश, देखिए परिपथ में आवेश कितना होगा वो देखते हैं। या तो हम सिंपल सी अगर इस सर्किट को रिड्यूस करें ना, ये सर्किट हमारा इस तरीके का हो जाएगा, ये बिंदु P और यहाँ पे एक कैपेसिटर हो जाएगा, ये बिंदु A, ये बिंदु P और ये बिंदु B। ठीक है, अब इसको इस तरीके से ना निकाल के हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये 3.5 और ये 3.5 दोनों की धारिता सेम है, मतलब दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। या आवेश निकाल के भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली धारिता निकाल सकते हैं। देखिए आवेश निकाल के करता हूं, आवेश यहां पे Q = C × V। AB के क्रॉस कितना विभवांतर है, 1500 का विभवांतर है। ठीक ना, तो Q = जो है C 3.5/2 कितना 1500, इतना आवेश हो गया, इतना ही रख देते हैं। ठीक ना, C1 के बीच विभवांतर, देखिए C1 के बीच विभवांतर कितना होगा V A - V B, V A - V B
va minus vp and that is equal to विभवांतर is equal to this q upon c. देखिए q q कितना है 3.5 by 2 into 1500 divided by c, c 3.5 से 3.5 कैंसिल, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 750. तो vp vp is equal to va minus vp is equal to कितना हो गया, तो यहां से vp is equal to कितना जाएगा इस वाले इक्वेशन से, यहां पे अगर vp का वैल्यू निकालते हैं तो जो vp is equal to va में से इतना माइनस कर देंगे, va का वैल्यू 1500 minus 750 equal to ये जगह 750, ठीक है ना, क्लियर है. तो 750 विभवांतर होगा, 750 वोल्ट का विभवांतर होगा बिंदु p का. एक तो ये मेथड हो सकता है, दूसरा मेथड भी मैं आपको बता दूं सॉल्व करने का, ताकि आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सके, ठीक है. देखिए अब इसमें हमने ये फाइंड आउट करा कि इस वाले नेटवर्क का जो तुल्यधारिता है 3.5 है, 3.5 विभवांतर दोनों का क्या होगा, बराबर होगा. तो सुनो, va minus vp is equal to vp minus vb. vb का वैल्यू 0 है, छोड़ देते हैं, vp को उधर भेज देते हैं, तो va बराबर 2 vp, तो vp बराबर हो जाएगा va divided by 2, तो ये 1500/2 डिवाइड कर देंगे 750 वोल्ट. तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है. तो अलग अलग मेथड हो सकता है क्वेश्चन निकालने, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का, और सारे मेथड से सेम क्वेश्चन सेम आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49. देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, बहुत क्वेश्चन है इसमें, खत्म ही नहीं हो रहा है ये. देखिए 0.2 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा, मतलब कॉमन विभवांतर बताना है. कह रहे कि 2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया और बैटरी को हटाने के पश्चात इसको 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है. देखिए सिंपल सी बात है कि एक धारिता दे रखा है C1 is equal to 0.2 माइक्रोफैरड का, ठीक है, इसको आवेशित किया गया है 600 वोल्ट तक, तो V1 बराबर 600 वोल्ट. अच्छा, इसको एक समांतर क्रम में जोड़ दिया गया एक दूसरे कैपेसिटर से जिसकी धारिता है C2 is equal to 1 माइक्रोफैरड. यहां पे ये कैपेसिटर जो है अनावेशित है, तो इसलिए इसका विभवांतर जाएगा 0. तो कह रहे कि विभवांतर कितना बदलेगा, तो कितना बदलने का मतलब है यहां पे कि सब कॉमन विभवांतर कितना होगा, उभयनिष्ठ विभवांतर, उभयनिष्ठ विभवांतर, ठीक है. उभयनिष्ठ जो विभवांतर होगा ये बेसिकली हो जाएगा v is equal to c1 v1 plus c2 v2 divided by c1 plus c2. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, c1 V1 plus C2 V2. C1 का वैल्यू है 0.2 into 10 to the power minus 6 microfarad में, 10 to the power minus 6 into V2 V1 600 और V2 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, divided by 0.2 plus 1 microfarad है 0.1 into 10 to the power minus का 6. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. चलिए छेदना बारह 1200 जाएगा, 1.2 है तो यहाँ पे जाएगा, गुणा 10^-6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. डिवाइडेड बाय इनको ऐड करेंगे तो 1.2, यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट हटा दो, तो इनसे डिवाइड करें 12×12 और 00 हो जाएगा, तो 100 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है. क्लियर, कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से. देखो क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है. क्वेश्चन नंबर जो 50 है ये देखें, 20 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, एक अन्य 110 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, उसका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए. सेम तरीके का क्वेश्चन है ये, आप करेंगे खुद
तीन इस होमवर्क दे दो मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 51, चार तथा दो माइक्रोफैरेड के धारिता को दो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के विभवांतर तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। कह रहे कि दो संधारित्र हैं, ये 4 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है और ये 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है। इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है जिसका वोल्टेज 6 वोल्ट है। तो इसमें हमें निकालना है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के विभवांतर तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये समांतर क्रम में है, हमें पता है समांतर क्रम में विभव जो है समान होता है। तो फर्स्ट कंडीशन है दोनों संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कितना जाएगा 6 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर हमारा सेम होगा। सेकंड कंडीशन में हमें आवेश निकालना है, तो इस संधारित्र पे कितना आवेश है 4 माइक्रोफेरेड पर आवेश। देखिए Q1 बराबर क्या जाएगा C1 into V। Q1 कितना है C1 4 माइक्रोफेरेड into V is equal to 6। या यह तो सेम है ना, यह सेम यूज करेंगे तो 24 माइक्रो कूलम क्या जाएगा 24 माइक्रो कूलम। ऐसे ही Q2 सेकंड कैपेसिटर पे इस पे कितना आवेश होगा, तो Q2 is equal to C2B और 2 माइक्रोफेरेड into 6 बराबर 12 माइक्रो कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें आवेश निकालना था और विभव निकालना था, जो कि हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 51 का। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो 52 है इसमें यह देखा 2 6 12 और 20 माइक्रोफेरेड धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि यह प्रबंध 1000 वोल्ट के विभवांतर पर आरोपित किया जाए तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। 12 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा और 20 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। देखिए सबसे पहले क्या करें, 4 कैपेसिटर है और इन चारों कैपेसिटर को आपस में समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, जोड़ा गया है, इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया और इसके साथ एक बैटरी को कनेक्ट किया है या एक सोर्स को कनेक्ट कर दिया गया है जिसका वोल्टेज है 1000 वोल्ट। इतना 1000 वोल्ट के विभवांतर इसमें आरोपित किया गया। तो सबसे पहले निकाला तुल्य धारिता, तो इसकी तुल्य धारिता समांतर क्रम में है C is equal to C1 plus C2 plus C3 plus C4 C2 plus C3 plus C4। देखिए इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 2, 6, 12 और 20। ठीक है, तो ये जो 2 plus 6 plus 12 plus 20, देखिए 12, 6, 18, 18 तो 20, 20 और 20, 40। तो ये 40 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। कुल आवेश कितना होगा इसमें, कुल आवेश Q is equal to C into V, that is equal to 40 गुणा 10 की घात माइनस का 6 गुणा 1000 10 की घात 3। ठीक है, तो 4 गुणा 10 की घात माइनस का 6 प्लस का 1 और प्लस का 3। ठीक है, तो यह 4 गुणा 10 की घात माइनस का 2 कूलम, मतलब प्रत्येक इसे नेटवर्क का टोटल जो आवेश है वो कितना है 4 गुणा 10 की घात माइनस का 2। आगे इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि 12 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र पर कितना आवेश है। जब हमारा 12 माइक्रोफेरेड संधारित्र है, 12 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर आवेश, देखिए कितना आवेश होगा। लेट सपोज ये C3 है, तो ये Q3 इज इक्वल टू C3 इनटू V। Q3 12 गुणा 10 की घात सॉरी C3 12 गुणा 10 की घात माइनस का 6 क्योंकि माइक्रोफेरेड में है, 10 की घात माइनस का 6 हो जाएगा। V इज इक्वल टू कितना, 10 की घात 3, 1000 का मतलब 10 की घात
तीन, तो ये लिखेंगे 12 गुणा दसी घात माइनस का 3 कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए आप 20 माइक्रोफैरेड के जो संधारित्र है उस पे कितना ऊर्जा है। 20 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर संचित ऊर्जा, देखिए कितना है ऊर्जा, U is equal to half of CV square, half of CV square क्योंकि V same है। ठीक है, तो यह half of C 20 गुणा 10 घात माइनस का 6 into 10 घात 3 का square। देखिए इसको डिवाइड करने कितना आएगा 10, तो 10 गुणा 10 घात माइनस का 6 गुणा 10 घात 6, 10 घात 6 से 10 घात 6 कैंसिल, तो यह जाएगा 10 जूल, मतलब इस पे जो एनर्जी स्टोर है वो हो जाएगा 10 जूल एनर्जी इसमें स्टोर है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको।